नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बधाई। दोस्तों, हम जानते हैं कि गुरु हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या है कि हमारे लिए गुरु ज़रूरी है? पहला तो ये कि जो गुरु है उसे हम किसी शक्ल में ना उतारें या किसी कपड़ों में ना उतारें, मतलब कि गुरु का एक रूप होना चाहिए जैसे वो बड़ा दिखे, या वो किसी ऐसे वस्त्र में हो, गेहुआ वस्त्र में हो या सफ़ेद कपड़े में हो, तो ही गुरु हो सकता है। गुरु कोई भी हो सकता, एक साधारण मनुष्य भी आपका गुरु हो सकता है। तो गुरु आखिर क्यों ज़रूरी है, या हम किसे अपना गुरु कह सकते हैं? जब हम अपनी किसी भी मुसीबत में होते हैं, या जब हमें लगता कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में उलझी हुई हैं, तो हमें लगता कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमें इन सब चीज़ों से निकाल सके। निकालने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम भगवान के पास जाते हैं और जाकर के अपने विश की लिस्ट बोल देते कि हे भगवान, अगर आप हो तो मेरी ये विश पूरी करो, अगर आप हो तो मेरी वो विश पूरी करो। गुरु के दरवाजे पर ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी भी गुरु के साथ इसके लिए जुड़ रहे कि हमारी विश पूरी हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम सिर्फ अपना स्वार्थ लेकर आए हैं। गुरु के पास जब हम जाते हैं तो गुरु एक आईना है। आईने का मतलब ये कि अगर आप सामने खड़े हो तो आपको नहीं पता चलता, अगर सामने आईना नहीं है तो आपको नहीं समझ में आता कि आप कैसे दिख रहे हो। लेकिन जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, आप कैसे दिख रहे, क्या आपको सुधार करना है, वो नज़र आने लगता। तो गुरु जो है वो हमारे जीवन में एक आईना है, जिसके आगे जब हम जाते हैं और जब हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर की कमियाँ हमें नज़र आती कि हम कहाँ सुधार कर सकते या हमने कहाँ गलती की है। वो गुरु हमें विश पूरी करने के लिए हमारे जीवन में नहीं आया होता। हमारे जीवन में जो परेशानियाँ हैं, जहाँ पे हम उलझे हुए हैं, उन उलझनों को हम कैसे कम कर सकते या उनसे हम कैसे निकल सकते, वहाँ से हमें रास्ता मिलता है। क्योंकि जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटता है, हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाता है। जब हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाता है तो जो परेशानियां हमारे जीवन में आई या जिन परेशानियों को, जिन उलझनों को हम अभी तक फेस कर रहे थे, वो आई भी अंदर से ही थी, अंदर से बाहर की दुनिया में गई थी। और वापस जब हम एक गुरु के साथ जुड़ते हैं तो हमें आईना नज़र आता। उस आईने में हमें वापस वही दुनिया नज़र आती जहाँ से ये परेशानी शुरू हुई थी, यानी अंदर की दुनिया। तो गुरु के साथ जुड़ने के बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर अपनी दुनिया में जाते और कहाँ क्या परेशानी है, उन चीज़ों को हम समझते हैं और फिर उन परेशानियों से हम बहुत आसानी से खुद ही निकल जाते हैं। तो गुरु एक आईने की तरह है जो आपको दिखाता है आपका चेहरा, जो आपको ले जाता है आपके अंदर की दुनिया में, कि जो भी स्थिति है वो अंदर की है। अगर जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं आप अंदर की तरफ जाते हो और शांति से उसको देखते हो, तो रास्ता भी वहीं से आना है। परेशानियां जो बाहर आई थी, वो आई जहाँ से थी, रास्ता भी वहीं से निकलना। तो गुरु जो है वो हमें अंदर का रास्ता दिखाता कि किस प्रकार हम सही रास्ते पे चल सकते, किस प्रकार किन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते, कितना हम अंदर की तरफ जा सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें। आध्यात्मिक का मतलब यही होता है कि हम इस जीवन में जो आए हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम अपने मकसद को समझें, हम अपने सत्य स्वरूप को समझें, हम अपने आप को जानें, हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाए। गुरु हमारे अंदर और कुछ नहीं, एक अवेयरनेस लेकर आता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते और इस संसार में रह कर भी किस प्रकार हम ऊपर वाले के साथ जुड़ सकते।
परमात्मा के साथ जुड़ सकते। तो गुरु को किसी शक्ल में नहीं बांधना, गुरु को किन्हीं कपड़ों में नहीं बांधना, गुरु के शब्दों के साथ जाना है, गुरु के चेहरे के साथ नहीं जाना, क्योंकि चेहरा बदलता रहेगा लेकिन ज्ञान नहीं बदलता। ज्ञान का मतलब होता है सत्य। सत्य कभी नहीं बदलता, इन्फॉर्मेशन बदलती रहती, जो हम बाहर की दुनिया में YouTube से लेते हैं, Google से लेते हैं, नए नए रिसर्च होते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन बदल सकती है, ज्ञान जो होता है वो हमेशा सत्य होता है, और जो सत्य होता है वो कभी नहीं बदलता। तो जो गुरु है वो हमें सत्य का रास्ता बताता, सत्य जो हमेशा था, जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा। तो इस गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।